एक बार उत्तराखंड मित्र पुलिस फिर आई सुर्खियों में। बताते चले कि जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक परिसर में पूर्वांचल समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने सितारगंज के लौका गौठा प्रकरण के संबंध में एक जनसभा का आयोजन किया तथा जुलूस की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर घटना में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा सतेंद्र कुमार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई, जहां भारी संख्या में पूर्वांचल समाज तथा सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। इस दौरान पीड़ित सतेंद्र कुमार ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की मांग व विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग करने से खफा सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा तथा भाजपा सरकार के इशारों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ तथा गाँव की महिलाओं के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उनको घसीट कर जेल भेज दिया गया। पीड़ित सतेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर दो पुलिस कर्मियों व विधायक द्वारा उनके साथ अमानवीय और घिनौना कृत्य भी किया गया। वहीं पुलिस विभाग तथा विधायक सौरभ बहुगुणा से आहत सतेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर तथा डरा धमका कर समझौता करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण में सतेंद्र कुमार को न्याय दिलाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री को खटीमा एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेज सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोठा और लौका के लोग हैं, करीब एक दर्जन लोगों के साथ विधायक जी जो सितारगंज के हैं उनके इशारे पर एक दर्जन दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, फर्जी केसों में फंसाया गया है। बहुत पीड़ित हैं लोग, मेरे पास आए थे, मैंने उनको सुझाव दिया कि ये जो है पूरे क्षेत्र के लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। आपके उत्तराखंड में भी जो है एक जगह बारात में एक दलित युवक गया, खाना अपने हाथ से निकाल लिया, उसको इतना मारा कि वो मर गया। एक 5 साल की लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। यूपी में प्रयागराज में एक ही दलित परिवार के घर में 4 लोगों की हत्या की गई, एक महिला के साथ रेप हुआ। तो आए दिन दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करने के लिए जो है तैयार हैं और इसको करेंगे। आज यही मांग रखी गई है कि जो इनके द्वारा FIR दी गई है उनको दर्ज नहीं किया गया, वो दर्ज हो, नंबर एक। दूसरी बात जो है, इनके साथ जिन लोगों ने उत्पीड़न किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और जो पुलिस कर्मी जो है दरोगा इत्यादि अधिकारी लोग हैं इनके साथ जाति की हैं, उत्पीड़न किए हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और स्पेशल तरीके से जांच हो। पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और इस आशय का एक ज्ञापन कि जो 15 अगस्त से जो प्रकरण चल रहा है आप सबको जानकारी होगा और सब वीडियो चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो जो मेरा प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में आज हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं बाय SDM, जो हमारे साथ जो भी उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न के खिलाफ जो है हम सब जनता एकजुट हुआ है। किच्छा विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, खटीमा विधानसभा, सितारगंज विधानसभा के लोग एकत्रित हुए हैं और आज उसका पुरजोर विरोध करते हुए अपने न्याय की मांग के लिए जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन करेंगे। और फिर माननीय सौरभ बहुगुणा जी के खिलाफ जो है आप सख्त से सख्त पार्टी कार्रवाई करें और बाकी कानूनी कार्रवाई के लिए हमारी जनता जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। दूसरी चीज़ जो चंदन सिंह बिष्ट SI पुलिस निरीक्षक चंदन सिंह बिष्ट जिन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ जो है हम मांग करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा धीरेंद्र परिहार, इन दोनों SI के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पुलिस कानूनी कार्रवाई करे और माननीय सौरभ बहुगुणा के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त एक्शन ले। इसके लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं।